बिहार के बेगूसराय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर हथियार की तस्करी का काम करने वाले एक छात्र को बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्यवाही करने के बाद गिरफ्तार किया है। वही आरोपी छात्र से 6 देसी पिस्तौल, 3 देसी पिस्तल, 10 कारतूस और 1 स्कूटी भी जब्त की है। एसपी ने बताया कि साहिल यूपी के मेरठ के प्राइवेट कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग वित्तीय वर्ष का छात्र था। बेगूसराय के मटियानी में एक हथियार का बड़ा जखीरा बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई में पकड़ा गया है। हम लोगों को लगातार सूचना मिल रही थी कि मटियानी थाना क्षेत्र में कुछ हथियार तस्कर हैं जो हथियार की डिलीवरी लेने के लिए आने वाले हैं, और इसमें हम लोग को बिहार एसटीएफ से लगातार इंटेलिजेंस की मदद मिल रही थी। इस पर कार्रवाई के लिए मैंने एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी और कल हम लोग ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है पटना एसटीएफ के साथ में, और उसमें हम लोग को बड़ी सफलता मिली है। एक कुख्यात अपराधी साहिल कुमार की गिरफ्तारी हुई है। ये समस्तीपुर के मोहद्दी नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये स्कूटी से जा रहा था, इसको रोका गया और इसके जब तलाशी ली गई तो इसके पास से 6 देसी कट्टा, 3 पिस्टल, 10 राउंड जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद हुई है। पूछताछ में हम लोग को पता चला है कि ये किससे हथियार लेके आया था और समस्तीपुर में किसको देने वाला था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग ने समस्तीपुर पुलिस के साथ शेयर की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी करीब 7 दिन पहले बिहार की एसटीएफ ने और बेगूसराय पुलिस के सिंगौल थाना ने एक ऑपरेशन कंडक्ट करके सिंगौल में भी लगभग 1 दर्जन हथियार हम लोग ने पकड़े थे वहाँ पे। और उससे जो सूचना हम लोग को पूछताछ में मिली थी उसी पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे थे और उसको लेकर ये दूसरा बड़ा हथियारों का जखीरा पुलिस ने पकड़ा है। तो इससे पूछताछ करने पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड के हम लोग को काफ़ी अहम सुराग मिले हैं और आने वाले समय में हम लोग उन पर भी कार्रवाई करेंगे। इसका प्रोफाइल क्या है सर? देखिए, पूछताछ में पता चला है कि ये जो अपराधी है साहिल कुमार, ये समस्तीपुर का रहने वाला है और ये कुछ साल पहले, कोरोना से पहले, मेरठ के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। कोरोना के दौरान ये वहाँ से लौट के आया अपने गाँव और फिर लौट के नहीं गया, और उसी दौरान गाँव के कुछ आपराधिक तत्वों के साथ इसका उठना बैठना हुआ और उसके बाद लोभ लालच के चक्कर में ये हथियार के धंधे में पड़ गया, वहाँ पे स्मगलिंग करता था। ये मत कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इसकी गिरफ्तारी मटियानी के रेड क्रॉस मेन रोड एरिया से हुई है। हम लोग ने ये भी पता कर रहे हैं कि हथियार की तस्करी से इन लोगों ने कितनी अवैध काली कमाई की है, उसकी भी हम लोग सूची बना रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो हम लोग PMLA का प्रस्ताव भेज के इन सबके जो घर हैं, जमीन है, बैंक अकाउंट है, उसको भी फ्रीज और जब्त करने का काम करेंगे। सर, कौन कौन से हथियार? इसमें देखिए 6 देसी कट्टा, 3 पिस्टल, 10 राउंड जिंदा कारतूस मिले हैं हम लोग को। और जितने भी बेगूसराय में या बगल के जिलों में हथियार के तस्कर जो एक्टिव हैं उन सब की हम लोग एक सूची बना के हम लगातार उन सब पे कार्रवाई करेंगे, और आने वाले समय में बेगूसराय ज़िले को इस प्रकार के अपराधी जो हथियार की तस्करी करते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं, सब पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग सबका यहाँ से सफाया करेंगे। बिहार बेगूसराय से अंशु कुमार की रिपोर्ट।